Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं वॉलमैन हूँ। मुमरा में बाईपास को लगकर सैनिक नगर में हो रही है पानी की किल्लत। नगर सेवक शाह आलम और वहाँ की जनता ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। मैं सैयद समीर हुसैन जदी, एमएम टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। मुमरा के सैनिक नगर में जब हमारे रिपोर्टर ने जांच पड़ताल की तो वहाँ के सभी निवासी एकजुट होकर बाहर आकर उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पर सालों से हम रहते हैं और हमारे रहने के बाद यहाँ पर पानी की, बिजली की किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं हमको मिल रही है। जबकि देखा जाए रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में पानी की कितनी किल्लत होगी ये आप समझ सकते हैं। क्या है परेशानी उन जनता की, सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साजिद, आप देख रहे हैं एमएम टाइम न्यूज़। आज हम यहाँ खड़े हैं बाईपास को लगकर, सैनिक नगर को लगकर, यहाँ पे जो पानी को लेकर या आवाम में जो हलचल मची है उसी को जानने के लिए हम यहाँ मौजूद है। और यहाँ एक बॉडी को लेकर भी एक मसला है, जो यहाँ बताया जा रहा है कि बॉडी का पानी बेचा जा रहा है, उसी पर क्लियर करने के लिए हम यहाँ के लोगों से भी और यहाँ के नगर सेवक हैं हम उनसे भी बात करेंगे, सालम जी से भी, कि ये लोगों को पानी का क्यों मसला आ रहा है। और जबकि सब मुमरा में पानी की किल्लत हो रही है और यह जो टाकी का काम चल रहा है सभी को पता है, फिर भी यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि इनके हिस्से का पानी और दूसरी जगह कहीं भेजा जा रहा है। तो हम उसी पे यहाँ के लोगों से बात करेंगे क्या मसला और ये बॉडी को लेके कितना बड़ा मसला चल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम हमीदा बानो है, मैं 27 साल से सैनिक नगर में रह रही। आपका जो इधर वालों का आरोप है जो आप ये बॉडी का पानी बेचते हो, हाँ, ये बॉडी आज जो सफाई का काम चल रहा है उसमें आपने रुकावट डाली है, यही तो चीज, हाँ यही तो चीज है, इसीलिए तो मैं आप लोगों को बुलाई कि ये बॉडी का पानी अगर मैं बेच रही हूँ, ये बॉडी में मैं रुकावट। आपका पानी का है या बॉडी का मुद्दा है? आपका बॉडी है, बॉडी का मुद्दा है, पानी का बेचने का सवाल ही नहीं था। जब पानी नहीं है उसमें, गंदा पानी, तो क्या बेचूंगी? और कौन बोलता मैं बेच रही? खरीदने वाले इतने सब खड़े, कौन खरीद रहा मेरे को बताओ खाली। मैं तो ये चाहती हूँ कि मीडिया को मालूम पड़े कि बौड़ी का पानी कितने लोग खरीद रहे और हमीदा कितने को बेच रही। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करने के लिए मैं आपको बुलाई, मेरे को बदनाम कर दिया है। जो आपके लाइन में पानी नहीं आ रहा, आप लोगों का कहना है कि आपके जो बिल है, जो लीगल लाइन है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा, तो ये कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? 3 साल हो गया, 2017 से चौथा साल चालू है, पानी नहीं आ रहा, लगातार बिल आ रहे, बिल आया नहीं, बिल आता क्या, जाके निकालो बिल, फिर बोलते हैं कि बिल भरो इसको तो पानी आएगा। चोरी की लाइन है, अगर चोरी के लिए तो अधिकारी के पास में अधिकार है क्या? अनलीगल लाइन को कट कर पेपर वाले की रखे। जैसे हमें भी पता चला है, यहाँ के कुछ लोगों ने बताया भी, यहाँ के जो नगर सेवक हो वो आपको टैंकर से पानी ला के दे रहे हैं, फिर भी आपकी शिकायत है कि आप लोगों को पानी नहीं आ रहा। भाई टैंकर कितने दिनों से आ रहा है? 17 साल हो गया, 17 साल से पेपर बने हुए, पानी तो आ जा रहा है। हर गर्मी में तकलीफ हो रही है हम लोगों को, कोई नई नहीं है, हर गर्मी में बोरिंग सूख गई है, पानी 2 मिनट देती है, 4 डिब्बा पानी। कहा जाता है ये जगह शिकायत लेके आप जब शाह आलम जी के पास गई थी तो सूत्रों का कहना है कि उन्होंने कहा कि ये जगह फॉरेस्ट की है। हाँ, फॉरेस्ट की जगह पे आप लोग रह रहे, तो हम लोग कैसे जो सुनवाई करें? हाँ तो ये तो एक मिनट भाई, हम इसका फॉरेस्ट की जगह में अगर हम रह रहे हैं तो हम लोग को वोट देने का भी अधिकार नहीं है। सही, हक वाली बात करूंगी, वोट लेने के लिए हम लोग फॉरेस्ट की जगह में वो चलेगा? हमारे लिए अगर कोई सहूलत चाहिए तो फॉरेस्ट की जगह, आपकी जगह बता दूं, आपकी जगह फॉरेस्ट में नहीं आती है, ये आदिवासी में आती है। हाँ, मगर हमको तो फॉरेस्ट ही बोलते हैं ना, हमको तो अभी उस जगह पे, इस इधर के वो जगह पे ना नल है, ना बोरिंग है, ना बाउड़ी है। वहाँ पर भी अगर कोई आके शिकायत करता है कि ये काम करना है तो डायरेक्ट बोलते हैं ये फॉरेस्ट की जगह है, इधर कोई काम नहीं कर सकते, हम लोग अलाउड नहीं है। नगर सेवक बोलते, नगर सेवक के बच्चे बोलते हैं इधर पे अलाउड नहीं, यहाँ के अलावा आप आगे पीछे जाके उन लोगों के भी तकलीफ सुन लेना। नगर सेवक शाह आलम ही है, दूसरा कोई नहीं है इधर। मैं अभी बोलूंगी, यहाँ पीछे नीचे बाहर ही बंगला है उनका, अभी 5 साल हुआ है, लेकिन ये शिकायत एक, हाँ, चार नगर सेवक है, चार नगर सेवक की एक राय नहीं होगी आप लोगों का काम आगे नहीं। अरे सेवक बोलते हैं मैं एरिया को संभाल रहा हूँ, आप लोग मत आओ हमारे एरिया में, आप लोग मत आओ, मैं देख रहा हूँ। तो भाई ऐसा देख रहे कि एक को दबाते दूसरे को उठाते, ऐसी बात है। अरे 3 नगर सेवक है, एक वो नासिर कोई है, एक रियान भाई है, नहीं वो उसी पे ही खड़ा है, रियान भाई उसी पे खड़े हैं, राजू है और कौन है वो नहीं मालूम, मगर 4 नगर सेवक में से इधर के आने नहीं देते क्या? गुंजन से इधर पे बच्चे लोग का रेप भी होता ना, पुलिस चौकी जाने नहीं देते, अंदर ही अंदर बोले हमारा इमेज खराब हो जाएगा। लड़के लोग का ये बाथरूम जो दिख रहा, इतने इतने बच्चे, ऐसे लड़के लोग रेप करते और वो यही का यही बचा लेते बात को।
ये देखिए ये बाथरूम। हाँ पानी दे दे तो साथ में चल रहे भाई, क्या है क्या? अभी मैं तुम्हारे सामने पूरी बिल्डिंग वालों को खड़े रहकर पूछ रही हूं कि बोरी का पानी कौन बेच रहा है। क्या तकलीफ है आपको यहाँ पे? हमको पानी की तकलीफ है, रास्ता हमारा नहीं अच्छा है, चलने में तकलीफ होती है, हम लोग पहाड़ पे रहते हैं। ये एरिया का नाम क्या है? लाइट नहीं है। सैनिक नगर। यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन है? यहाँ का कोई नहीं। यहाँ पे कौन है? नगर सेवक। नगर वही तो वही शालम जी नगर सेवक। उनके पास शिकायत लेके गयी बार बार आप लोगों को ये तकलीफ कब से है? कब से आए आप लोगों का? कुछ साल होगा या महीना हो गया कुछ? अभी हम लोग 2014 से यहाँ पे हूँ। हम लोग को कोई चीज की सहूलत नहीं है अभी तक। पानी के लिए हम लोग कितना दूरी जाना पड़ता है, डब्बा लेके ऊपर चढ़ते हैं, कई बार तो गिर गई हम लोग। अब गिरने के बाद भी कोई भी आते हैं तो बोलते हैं ये फारस की जगह। अगर जब फारस की जगह हम खरीदे हम लोग तो उस टाइम में बोलना चाहिए ना कि क्यों तुम लोग फारस। आप लोग टैक्स देती हैं? नहीं तो अभी हम लोग का कोई लगा कैसे नहीं लगा, हम लोग का लगने नहीं दिया। वोट देती हैं? हाँ वोट देते हैं। वोट लेने आते हैं? वोट लेने आते। तो ये थी सैनिक नगर की जनता जिन्होंने अपनी बात को रखा। इसी मुद्दे को लेकर नगर सेवक शाह आलम जी से जब हमने बात की तो शाह आलम जी ने इस मुद्दे पर क्या सफाई दी, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आलम जी आज आपके वार्ड में गए थे, जो पानी का मसले को लेकर लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे पानी भी चोरी होता है, और जो मसले जो वहाँ पे देखा गया है कि आपने तो वहाँ पे पानी के टैंकर भी पहुँचाए लोगों के लिए, फिर भी लोग वहाँ बोल रहे हैं कि आप पानी की आपके जो लाइन है आप डिवाइड करते हो, लाइन किसी को देते हो किसी को नहीं देते, ये कितनी सच्चाई है इसमें? मैं वॉलमैन हूँ, मैं वॉलमैन तो नहीं हूँ ना कि मैं वॉल बंद करूँगा या वॉल वहाँ पे है कुछ। भाई सबको मालूम है कि आज 5 दिन से कालसेकर हॉस्पिटल के पास जो हमारा पानी का ऐसा वो टाकी है उसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। एक टाकी के अंदर 10 लाख लीटर पानी आता है, 1 MLD 10 लाख लीटर की होती, तो तुमको मालूम होना चाहिए कि जब 2 टाकी है और 1 टाकी का काम चालू है, 1 ही टाकी से पानी आ रहा, और उस 1 टाकी का पानी की सप्लाई रसीद कंपाउंड देवरी पाड़ा जुबली पार्क चरनी पाड़ा सैनिक नगर मोतीबाग तमाम इलाके को आता है। तो जब वो 1 टाकी पानी छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जब प्रेशर नहीं रहेगा तो पानी पहाड़ के ऊपर है सैनिक नगर, वहाँ पानी पहुँचेगा नहीं, तो यही सबसे बड़ी समस्या है। और टाकी अभी 17 तारीख तक इसी तरीके की हाल रहेगी वहाँ पर, क्योंकि 17 तारीख के बाद ही वो टाकी का पानी इस्तेमाल चालू करेंगे वो लोग। और वहाँ पे एक बड़ा मसला है जो ये बावड़ी को लेकर, ये बावड़ी का क्या मसला है कि बताया जा रहा है कि वहाँ के लेडीज के वो पानी वहाँ बिकता है, वो बावड़ी का क्या मसला तो है? कौन बेचता था पता करो ना, वहाँ पे जो लेडीज सबको बुला रही है ना वही लेडीज सबको बेचती थी वहाँ पानी। बावड़ी एकदम वर्स्ट हालत में पड़ी थी, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो हमने इस हालात को देखते हुए अपने जेब से पैसा लगवा के 45,000 रुपया जेब से लगा, उसकी सफाई करवाए, उसकी खुदाई कराया 20 फुट की ताकि उसका जीरा फिर से खुले। वो खुलने के बाद आज पानी उसके अंदर साफ शफाफ पानी मिल रहा है, तो हमने ये बोला कि इससे कम से कम तुम लोग ये इस्तेमाल आ जाएगा कि तुम कपड़ा धो सकते नहा सकते ये सब कर सकते, और रोज़ 2 टैंकर पानी मैं मंगा रहा हूँ वहाँ पे, डेली का 2 टैंकर पानी आ रहा है म्यूनसिपल्टी का, अब वहाँ से लोग अपना भर के ले जाओ ताकि पीने का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नगर से होगा और क्या कर सकता है बताइए। और आप पे वहाँ पे आरोप भी लग रहा है जो गटर के उस तरफ पे है जो फॉरेस्ट की जगह है वहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने कुछ काम ही नहीं किया। हाँ तो इस पे कितनी सच्चाई है और आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं? तो सही बात है, आप पत्रकार हैं, आपको भी इसकी नॉलेज होना चाहिए पत्रकार साहब कि फॉरेस्ट के अंदर थाना महानगर पालिका का बजट नहीं लगता ना आमदार का बजट लग सकता। फॉरेस्ट के अंदर किसी सरकारी काम कोई नहीं लगेगा, ना वहाँ रोड लगा बना सकते हो आप, ना आप वहाँ पे गटर बना सकते हो आप, ना वहाँ पे लाइट लगा सकते हो, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, आप पता कर लीजिए, उसके बाद बोलना कि वहाँ पे शालम आजमी काम क्यों नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि बाजू में फॉरेस्ट है पूरा, वो जितनी चालियाँ बनी है फॉरेस्ट और आदिवासी ज़मीन में बिकी हुई है। महानगर पालिका मतलब वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा? आप इसकी मालूम कर सकते हो, मैं तो बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते, आप इसकी मालूमात कर लीजिए कि कर सकते कि नहीं। तो महानगर पालिका को वहाँ वालों को टैक्स नहीं लगाना चाहिए? वो तुम्हारी जवाब, महानगर पालिका नहीं जाती आपके पास कि आप टैक्स लगवा लो, आप जाते हो कि मेरे घर को टैक्स लगवा दो, तो एग्रीमेंट लेके जाओ, एग्रीमेंट पे टैक्स लगता है, वो आपका काम है। महानगर पालिका वहाँ नहीं जा रही टैक्स लगाने के लिए कि आप लोग टैक्स लगवा लीजिए। फॉरेस्ट के अंदर जो भी घर बनाया हर कोई इसलिए लगवा लेता है टैक्स कि हो सकता है फ्यूचर में कभी टूटे फूटे तो कुछ सरकार से हमको उसका मुआवजा मिल सके, बस यही उसकी वो होती है।
तो ये थे नगर सेवक जिन्होंने अपनी बातों को रखा और इस सफाई में उन्होंने कहा साफ कि हमारी तरफ से जो हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ महानगर पालिका ठाणे महानगर पालिका का ये आदेश है कि हम फॉरेस्ट पे रहने वालों के लिए कोई सुविधा नहीं दे सकते। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अगर कोई सुविधा नहीं दे सकते तो फिर टैक्स कैसे लागू हो रहा है, बिजली का बिल कैसे ले रहे हैं, उसके साथ ही वोट कैसे ये लोग मांगने चले जाते हैं। ये उनका हक है, अगर वो वोट दे रहे हैं तो इनका हक बनता है कि उनको सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसी तरह की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें MM टाइम्स न्यूज़, हमें आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।